क्लास टेंथ की आज एक्सरसाइज 3A का सवाल नंबर 9 जैसे कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों वाला ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण हो, नंबर 1 प्रक्षेपकर्ती हो, नंबर 2 समांतर रेखाएं हो और नंबर 3 संपाती हो। तो सबसे पहले हम पहला नंबर लेकर के चलते हैं, नंबर 1 प्रक्षेपकर्ती होंगी रेखाएं, तो आपका फार्मूला होगा a1 / a2 ≠ b1 / b2। यदि हमारी रेखा प्रक्षेपकर्ती है तो रेखा का समीकरण है a1 / a2 ≠ b1 / b2। जैसा कि हमारे पास समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0 की a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर यहां पर तुलना कर देंगे तो a1 = 2 b1 = 3 और c1 - 1। अब जैसा आप देख लो कि तुलना पर a1 = 2 है b1 = 3 है और इनका जो अनुपात है वो अनुपात हमारे बराबर नहीं होने चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे कि x बराबर यानी x का जो गुणांक है वो 2 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, तो x = 0 तथा x = 2 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, जिसे लिख सकते हैं कि x ≠ 0 तथा x ≠ 2। इसी प्रकार से y = 0 तथा y = 3 नहीं हो सकता है, तो यहां पर हो जाएगा y ≠ 0 तथा y ≠ 3। तो यहां पर जो हम दूसरा समीकरण बनाएंगे उस समीकरण में x के जो गुणांक है उसकी जगह पर 0 और 2 नहीं आ सकता और y की जगह पे 0 और 3 नहीं आ सकता, तो इनका हम चाहे तो उल्टा कर सकते हैं या कोई अन्य बिंदु रख सकते हैं अन्य। तो यहां पर जैसे कि हम रख देंगे कि यहां पर 2 की जगह पे 3x + 2y - 8 = 0। तो इस तरीके से हमारा एक रैखिक समीकरण बन जाएगा जो कि 2x + 3y - 8 = 0 और ये समीकरण आपस में प्रक्षेप करेंगे और प्रक्षेप करती हुई रेखाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगर समांतर रेखाएं हैं तो यहां पर होगा a1 / a2 = b1 / b2 ≠ c1 / c2। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि a1 / a2 यानी a1 और a2 का अनुपात बराबर है और b1 b2 ये दोनों बराबर है, लेकिन c1 / c2 आपके यहां पर समांतर है, तो इसलिए c1 / c2 ये इक्वल नहीं होनी चाहिए, बाकी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो आप समीकरण में कुछ भी बना सकते हैं कि जैसे कि 2x लिखा है तो आप अनुपात बराबर करना है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि 4x + 6y - 1 और यहां पर हमें इक्वल नहीं करना है, तो चाहे माइनस के 8 ही उतार लें या हम प्लस के 8 कर सकते हैं = 0, यहां पर कुछ भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे समीकरण बनेंगे उसमें a1 / a2 = b1 / b2 हो जाएगा जबकि ≠ c1 / c2 के बराबर आ जाएगा। अगर हमारी संपाती है तो नंबर 3, यदि संपाती है तो आपका फार्मूला बनेगा a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। तो यहां पर अनुपात इनके बराबर होने चाहिए, तो इसमें पूरे में चाहे यही समीकरण रख सकते हैं या समीकरण को बदलना है तो यहां पर लिख सकते हैं कि 4x + 6y - 16 = 0 जिसके अनुपात बराबर आ जाएंगे, यानी a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2।
सी टू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम संपाती समीकरण निकाल सकते हैं, समांतर समीकरण बना सकते हैं और प्रच्छेद समीकरण बना सकते हैं। सवाल नंबर 10वां, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींच करके x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को हमें छायांकित करना है। तो सबसे पहले आपका जो बीजगणितीय निरूपण है, बीजगणितीय निरूपण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण है, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये हमारा सेकेंड समीकरण है। तो यहाँ पर दो समीकरण दे रखे हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ये आपका बीजगणितीय निरूपण हो गया। फिर इस बार हम करेंगे ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण में समीकरण एक में x का मान y के पदों में, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर y माइनस 1। x और y, अगर हम y की जगह पे 0 लिख दें तो x का मान माइनस 1 आ जाएगा, अगर 1 लिख दें तो 1 में से 1 जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा, अगर 2 रख दें तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। फिर इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 में, 2 में x का मान y के पदों में, तो यहां पर हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 3x बराबर 12 को उसमें ले जाएंगे तो प्लस के और ये माइनस के 2y हो जाएंगे, तो x बराबर 12 माइनस 2y बटे 3, इनका भी हम मान निकाल लेंगे। x और y हमें ऐसे तरीके से मान रखना है कि ये हमारा पूरा का पूरा समीकरण कटता जाए। तो यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं, y की जगह पे 0 रख दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 12 में से 3 का भाग दे देंगे तो 3 चौको 12। अगर यहाँ पर हम जैसे कि 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएंगे, अगर 3 रखते हैं y की जगह पे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएंगे, 6 3 दूनी 6 दो बार जाएगा। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर हम 6 भी रखते हैं तो यहाँ पर 6 अगर रखते हैं y की जगह पर तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे और 12 में से 12 जाएगा, आपका 0 बचेगा, 0 में 3 का भाग दे देंगे 0 आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी मान हम रख सकते हैं। अब हम सबसे पहले इनका ग्राफ बनाएंगे, बस मेन ग्राफ में ही समझना है, x अक्ष, x अक्ष ऋणात्मक, y और y ऋणात्मक, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, इस तरीके से हमने बना लिए, क्योंकि हमारी संख्या सबसे अधिक 6 तक है। तो सबसे पहले हमें बिंदु रखना है माइनस 1 कॉमा 0, यानी कि x अक्ष पर माइनस 1 है और y अक्ष पर 0 है, तो ये माइनस 1 कॉमा 0 ये हमारा बिंदु आ जाएगा, माइनस 1 कॉमा 0। फिर इसके बाद है 0 कॉमा माइनस 1, तो 0 कॉमा माइनस 1 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद है 1 कॉमा 2, तो 1 कॉमा 2 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हम ये रेखा को खींच देंगे, हमारी रेखा की जाएगी और इस रेखा का जो समीकरण है वो समीकरण का x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये हमारे इस रेखा का समीकरण था और इस रेखा का नाम दे दिया हमने ए बी। इसके बाद दूसरा बिंदु है 4 कॉमा
जीरो, तो चार कॉमा जीरो आपका यहां पर आ जाएगा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा पर। फिर इसके बाद है दो कॉमा तीन, तो दो ये है और तीन आपका ये है, तो दो कॉमा तीन आ जाएगा। फिर इसके बाद है जीरो कॉमा छह, तो यहां पर जीरो कॉमा छह आ जाएगा। इस तरीके से इस रेखा को खींचेंगे, जो रेखा यहां से होकर के जाएगी, इस रेखा का नाम हम दे देंगे सी और डी, और इस रेखा का समीकरण है तीन एक्स प्लस दो वाई माइनस 12 बराबर जीरो, ये हमारा बन जाएगा। अब बनाने के बाद आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये दोनों यहां पर कट रहे हैं, मतलब इस बिंदु पर जाकर के कट रहे हैं, तो जिस बिंदु पर ये कटेंगे जाकर के, जैसे 2.3 है, इस तरीके से और भी मान निकाल सकते हो या फिर इनका आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ये आपको ग्राफ में प्राप्त होंगे। जैसे कि इसका निर्देशांक आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि एक्स अक्ष पर पूछा गया है कि यहाँ पर लिख सकते हैं पहले प्राप्त बिंदु, यहाँ पर लिख दें प्राप्त बिंदु -1.0 0.1 और 1.2 ए बी रेखा पर तथा 4.0 2.3 0.6 सीधी रेखा पर बिंदु पी पर प्रक्षेप करते हैं, बिंदु पी पर प्रच्छेद करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। तो यहां पर बिंदु P पर जो प्रच्छेद कर रहे हैं, इसके बाद पूछा गया है कि x अक्ष को आधार लेकर के x अक्ष पर बने त्रिभुज, x अक्ष पर बने त्रिभुज की निर्देशांक बताना है। यहां पर हम लिखते हैं P, यहां पर लिख दिया Q और यहां पर R लिख दिया। तो सबसे पहले Q के निर्देशांक लिख सकते हो कि Q के निर्देशांक है -1.0 और R के निर्देशांक है 4.0 और इसके बाद P के निर्देशांक, जैसे यहां पर हम क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्राफिक मॉडलिंग बनाएंगे, तो ये लगभग क्लियर में आ जाएगा कि यहां पर जितना भी होगा 2.3 के आसपास आ जाएगा, 2.3 पर जाकर के रेखा कट जाएगी आगे, तो यहां पर P के निर्देशांक हो जाएंगे 2.3। तो ये आपके निर्देशांक में जाएंगे। फिर दूसरी चीज, हमें इस त्रिभुज को छायांकित करना है, इस त्रिभुज को हम छायांकित कर रहे हैं, x अक्ष पर बने त्रिभुज को हमें छायांकित भी करना है। तो त्रिभुज के हमारे निर्देशांक भी प्राप्त हो गए और त्रिभुज को हमें छायांकित भी कर दिया। समीकरण 2x + y = 4 और 2x - y = 4 की युग्म का आलेख खींचना है। इन आलेखों पर y अक्ष पर बने, अभी आपसे पूछा गया था कि x अक्ष पर बने, अब यहाँ पर y अक्ष पर बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके पास समीकरण है, यानी कि समीकरण जो दे रखे हैं वो है 2x + y = 4, ये हमारा पहला समीकरण है, और 2x - y = 4 ही आपका सेकंड समीकरण है। तो सबसे पहले हम समीकरण एक एक करके निकालेंगे। समीकरण एक में y का मान x के पदों में, तो ये हो जाएगा 2x + y = 4, तो y = 4 - 2x, इनका मान निकाल लेंगे x और y। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से मान रखना है, जैसे यहां पर हमने 0 रख लिया, तो 0 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 रखा तो यहां पर 2 बचेगा, 2 रखा तो 2 × 4 हो जाएंगे, 4 में 4 जाएंगे 0, हमने 3 मान निकाल लिया। इस तरीके से समीकरण 2 में x का मान y के पदों में, तो जो x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल लें इसमें भी, तो यहां पर हो जाएगा 2x - y = 4,
तो वाई बराबर दो एक्स माइनस चार हो जाएगा। एक्स और वाई, अब यहां पर एक्स की जगह पे अगर जीरो रखते हैं तो यहां पर हो जाएगा माइनस के चार, अगर यहां पर एक रखते हैं तो ये हो जाएगा दो एकम दो तो माइनस के दो हो जाएंगे, और अगर यहां पर हम रखते हैं दो एक्स बराबर दो रख लिया तो दो दूनी चार, चार में चार में जीरो। तो इस तरीके से हमें ये बिंदु प्राप्त हो गए। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले एक्स एक्स ऋणात्मक, वाई और वाई ऋणात्मक। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि चार तक यहां पर संख्या है तो हम चार तक ही रख सकते हैं, जीरो एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन और माइनस चार। इस तरीके से हम बिंदु अपने दर्शा लेंगे। अब जैसे कि पहला दिया गया है जीरो कॉमा चार, तो ये वाई अक्ष पर चला जाएगा, तो वाई अक्ष पर हो जाएगा जीरो कॉमा चार। फिर इसके बाद है एक कॉमा दो, तो एक्स बराबर एक और वाई बराबर दो। फिर इसके बाद है दो कॉमा जीरो, तो ये आपका दो कॉमा जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा बिंदु रखने पर हमारे तिरछे आ गए हैं। इस तरीके से हम यहां पर रेखा खींच देंगे, ये रेखा खींच दी जो कि रेखा हमारी हो गई एवी, और इस एवी रेखा का जो समीकरण है वो है हमारा, यहां पर लिख सकते हैं कि दो एक्स प्लस वाई बराबर चार। फिर इस तरीके से दूसरे बिंदु है जीरो कॉमा माइनस चार, तो यहां पर आ जाएगा जीरो कॉमा माइनस चार। इसका दूसरा बिंदु है एक कॉमा माइनस दो, तो एक कॉमा माइनस दो, तो एक ये हो जाएगा और माइनस दो ये हो जाएगा। इस तरीके से यहां पे बिंदु दर्शा देंगे। फिर इसके बाद है तीसरा दो कॉमा जीरो, तो एक्स अक्ष पर है दो और वाई अक्ष पर है जीरो, तो दो कॉमा जीरो, दो कॉमा जीरो, तो यहां पर आपका जा रहा है, यानी कि बिंदु रखने पर अगर यहां पर एक्स के स्थान पर अगर तुमने जीरो रखा, वाई की जगह पे यहां पे दो रखा, दो दूनी चार, तो यहां पर ये जो बिंदु है आपका एक कॉमा माइनस दो, तो एक कॉमा माइनस दो यहां पे दर्शा दिया। फिर इसके बाद है दो कॉमा जीरो, तो दो कॉमा जीरो इसी बिंदु पर आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारी रेखा तैयार हो जाएगी। इस रेखा का नाम दे देंगे हम सीधी, सीधी रेखा हो गई। अब सीधी रेखा बनने के बाद आप लोग देख रहे हो ध्यान से कि ये जाकर के दो कॉमा जीरो पर ही प्रक्षेप कर रही है रेखाएं, जाकर के दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु दर्शाएंगे कि प्राप्त बिंदु, प्राप्त बिंदु जीरो कॉमा चार, एक कॉमा दो और दो कॉमा जीरो ए बी रेखा पर, तथा जीरो कॉमा माइनस चार, एक कॉमा माइनस दो, दो कॉमा जीरो सी डी रेखा बिंदु पी पर, पी पर प्रक्षेप करते हैं, पी पर प्रक्षेप करते हैं। तो यहां पर वाई एक्स पर बना त्रिभुज ये हो जाएगा पी, यहां पर क्यू और यहां पर आर। तो वाई एक्स पर बना त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर के निर्देशांक हो जाएंगे पी दो कॉमा जीरो, क्यू आपका ऊपर है जीरो कॉमा चार वाई एक्स पर है, और आर आज इसका निर्देशांक है जीरो कॉमा माइनस चार, ये आपके निर्देशांक निकल आए। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम आपको छायांकित करके भी दिखाई दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये त्रिभुज जो हमने बनाया है ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज का फार्मूला ले लेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो एक्स वन
y2 माइनस y3 प्लस h2 y3 माइनस y1 प्लस h3 y1 माइनस y2। मान रखते हैं x1 हमारा 2 है, y2 और y3 यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4, 0 माइनस की 4 माइनस 0, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 4 एक बटे दो, ये चार चार आठ हो गए, आठ में 16, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, एक बटे दो इंटू 16 बराबर 8 वर्ग इकाई, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 8 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना था, जबकि इससे पहले वाले सवाल में हमें त्रिभुज की केवल निर्देशांक ज्ञात करने थे, यहाँ तक लगाना था, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है।